Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I'm going to review this product by the brand Plum. So this is from their Think Derma range. This is a salicylic and lactic acid skin soothing gel moisturizer. So this is for basically for acne prone skin. अब आप ये सोच रहे होंगे ये एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, मैं इसका रिव्यू विंटर्स में क्यों कर रही हूँ. अगर आपकी ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन थ्रू आउट द ईयर रहती है तो डेफिनेटली आप इसका रिव्यू देख लो, ठीक है. अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन रहती है विंटर्स में और आपकी एक्ने प्रोन बिल्कुल भी नहीं होती है, आप इस वीडियो को स्किप कर दो. मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को विंटर्स में क्यों यूज़ करती हूँ, इसका रीज़न मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है. ओवर द ईयर्स मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है अपने साथ, बेसिकली अपनी स्किन के साथ, कि मेरी स्किन विंटर्स में अगर ड्राई होती है, ठीक है, तो कोई भी मैं मॉइस्चराइजर लगा लूँ, क्रीम बेस्ड, कोई भी मैं ऑयल लगा लूँ, उस वो जो ड्राइनेस है ना, बिना किसी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर के सबसाइड नहीं होती है. सो बेसिकली मेरी स्किन को मॉइस्चर नहीं, वाटर लॉस होता है. सो जो वाटर लॉस होता है ना, जब डिहाइड्रेटेड होती है आपकी स्किन, तो आपको एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए क्योंकि उसमें वाटर कॉन्टेंट ज़्यादा होता है. सो ओवर द ईयर्स मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि मुझे एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़रूर रखना पड़ता है विंटर्स में अपनी स्किन के रिजीम में. सो मेरा स्किन के रिजीम क्या होता है विंटर्स का, नॉर्मल फेस क्लेंजर, फेस वॉश किया, उसके बाद टोनर लगाया, एंड उसके बाद मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ. ये मैं आपको नाइट टाइम का बता रही हूँ. नाइट या डे में एक बार दिन में मुझे एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ज़रूर चाहिए होता है. इट कैन बी फ्रॉम एनी ब्रांड, क्योंकि अब मैं ये कंटेंट क्रिएशन में हूँ, सो मैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के ट्राई करती रहती हूँ, बट एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को मैं ज़रूर लगाती हूँ. उसके ऊपर या तो मैं क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाती हूँ या कोई फेस ऑयल लगाती हूँ, एंड देन सनस्क्रीन. सो एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यानी जिस मॉइस्चराइजर में वाटर कॉन्टेंट हाई होता है, वो मुझे ज़रूर चाहिए. अब काफ़ी लोग कहते हैं कि आप हाइड्रोनिक एसिड लगा लिया करो या हाइड्रेटिंग सीरम्स लगा लिया करो. मैंने वो सब कुछ ट्राई किया है, बट जब तक मैं एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को नहीं लगाती हूँ विंटर्स में, मेरी स्किन पे ड्राई पैचेस फॉर्म होने बंद नहीं होते. सो दिस इज व्हाट आई हैव फिगर्ड आउट कि मुझे एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर चाहिए विंटर्स में. सो ये थोड़ा सा मेरा रीज़न है. अगर आपकी भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, कुछ आपको लगता है कि कोई भी मॉइस्चराइजर वर्क नहीं कर रहा, कोई फेस ऑयल वर्क नहीं कर रहा, आप भी एक बार कोई भी एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ट्राई करके देखो विंटर्स में. हो सकता है आपकी स्किन में भी मेरी तरह वाटर लॉस होता हो एंड आपके लिए वर्क करे. एनी विच वेज, लेट्स गेट बैक टू दिस प्रोडक्ट. सो ये प्लम की थिंक डर्मा रेंज से है एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो ये इम्प्रूव करता है स्किन के टेक्सचर को, फाइट करता है एक्ने को, एंड ये मॉइस्चराइजर मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है. आप देख सकते हो कुछ कुछ एक्ने पिंपल हो गए थे मेरी स्किन पे, आपको लाइव वीडियोस वगैरह में दिखता रहता है. सो उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क किया है. सो दैट इज व्हाई मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रिव्यू वगैरह शेयर कर दूँ. इट्स बीन लाइक ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks की मैं इसको यूज़ कर रही हूँ. बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी लगती है एंड इट्स एन एक्सेलेंट मॉइस्चराइजर. बाकी आप इसका एक बार डिटेल में रिव्यू देख लो. प्लम की वेबसाइट पे पूरी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी दी होती है, अभी मैं दिखा भी देती हूँ. एंड प्लम जो है ना, कोई भी ज़्यादा ऐसा क्वेश्चनेबल ब्रांड मुझे नहीं लगता है. उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, सूट भी कर जाते हैं मेरी स्किन पे. सो येस, अगर आप सोच रहे हो कोई जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को इंक्लूड करना, इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, तो आप डेफिनेटली इसका रिव्यू देख लो, बिकॉज ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है. आपकी समझ में आता है तो आप डेफिनेटली ले लेना. थोड़ा सा मैं बोलूँगी प्राइजियर साइड पे है, 525 रुपीज़ का प्रोडक्ट है और 50 ग्राम्स इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है. ऑब्वियसली सेल वगैरह में आपको मिल जाएगा, लेकिन 400 तक का फिर भी मिलेगा. सो येस, अगर आपके बजट में है, आप अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो. सो आप एक बार इसका रिव्यू देख लो, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना. सो गाइज, ये है प्लम का थिंक डर्मा सैलिसिलिक एंड लैक्टिक एसिड स्किन स्मूथनिंग जेल मॉइस्चराइजर. दिस फाइट्स एक्ने, टेक्सचर इम्प्रूव करता है, ठीक है. सो दिस इज़ हाउ द प्रोडक्ट पैकेजिंग लुक्स लाइक. सो ये 50 ग्राम्स का प्रोडक्ट है एंड ये 525 रुपीज़ का आता है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ठीक है, वर्क तो करता है बहुत अच्छे से, ठीक है. प्लम के बारे में सब लोगों को पता ही है, ब्रांड काफ़ी क्लीन है. पूरी इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट अपनी वेबसाइट पे भी दी है एंड पैकेजिंग पे भी मेंशन्ड है, ठीक है. और इसमें कोई पैराबेंस नहीं है, कुछ भी एनिमल डिराइव्ड इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस नहीं है, कलर्स नहीं है, एसेंशियल ऑयल्स एडेड
है फॉर्मुलेशन में, ठीक है. दिस इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आई डोंट हैव वेरी ऑयली स्किन बट स्टिल मेरी स्किन थोड़ी ड्रायर साइड पे है, स्टिल ये मेरे लिए वर्क करता है बहुत अच्छे से, ठीक है. सो ये क्या है, ये मेक देम अच्छा. तो ये एक एक्टिवेटेड मैच मेड इन हेवन है. सो सैलिसिलिक एसिड है जो कि आपके एक्ने पे वर्क करता है, ब्लैक हेड्स पे वर्क करता है, वाइट हेड्स पे वर्क करता है. लैक्टिक एसिड जो है वो स्किन फ्रेंडली एक्सफोलिएंट है, और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपकी स्किन एकदम क्लियर एंड स्मूथ कर देते हैं. तो बहुत अच्छे से वर्क करता है एक्ने वगैरह पे और आपके यू नो ब्लेमिशेस पे. उसके बाद ये दोनों जो हैं, जैसे प्लम ने ये एडवाइस दी है, लैक्टिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड टीम अप होके बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है. तो ये सैलिसिलिक एसिड आपकी डेड स्किन पे भी वर्क करता है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, और लैक्टिक एसिड प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, तो आपकी स्किन के हाइड्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है. आपको इसको कैसे यूज़ करना है, सफिशेंट क्वांटिटी लेनी है, फेस एंड नेक पे लगाना है और फेस को क्लीन एंड टोन करके, ठीक है. तो अगर आपको इरिटेशन होती है जस्ट डिसकंटिन्यू यूजिंग इट. सो मुझे तो ये प्रोडक्ट गाइस काफ़ी पसंद आया है, कि मुझे तो ऐसा लगता है मेरी स्किन में हाइड्रेशन की अगर कमी हो तो दिस इज लाइक एक्सेलेंट. इसके अंदर ही ये एक यू नो पर्ची सी आई थी. सो आप देख सकते हो एक्सफोलिएशन सैलिसिलिक एसिड बेसिकली गाइस आपकी स्किन को ना जेंटली एक्सफोलिएट करता है, ठीक है. सो जो भी आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको अनक्लॉग करता है, यही इसमें भी लिखा है कि आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा, एक्सफोलिएट करेगा स्किन को. और लैक्टिक एसिड क्या करेगा, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करेगा और आपके स्किन के ओवरऑल टेक्सचर एंड अपीयरेंस को बेटर करेगा. लैक्टिक एसिड स्किन की ब्राइटनिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है. और सैलिसिलिक एसिड आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स और डिसकलरेशन को रिमूव करने में हेल्प करता है. लैक्टिक एसिड एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है. और ये एक्ने फाइटिंग सैलिसिलिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड जो है एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को किल करता है. सो ऑल इन ऑल इज लाइक अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है. सो यस, ये किस तरह से वर्क करता है इन्होंने लिखा हुआ है. ये एक BHA है, लैक्टिक एसिड एक AHA है. तो बेसिकली स्किन के अंदर से एक्ने को निकाल देता है. सो अगर विद कंटिन्यूस यूज ऑफ दिस प्रोडक्ट आई डोंट थिंक कि आपको एक्ने की कभी प्रॉब्लम होगी. सो दिस एज आई सेड दिस द जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, ग्लास जार की पैकेजिंग है. यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट फॉर योर फेस एंड यू कैन एक्चुअली यूज इट एवरी डे और मे बी एवरी ऑल्टरनेट डे एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो बहुत अच्छा सा जेल बेस्ड प्रोडक्ट है. आई यूज़ इट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे. बेसिकली मैं नाइट टाइम में इसे यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ. बहुत लाइट वेट है बट बहुत ही अच्छा बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है. सो यू कैन टॉप इट अप विद एन आइस सनस्क्रीन और मे बी अ फेस ऑयल, डिपेंडिंग कि आप कब इसे यूज़ करो. आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट गाइस. सो इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, ऑयली स्किन, और मे बी इफ यू हैव एनी स्किन टाइप एंड यू आर लुकिंग फॉर अ गुड बूस्ट ऑफ हाइड्रेशन, आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड प्लम थिंक डर्मा. दिस इज 100% वीगन प्रोडक्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट. सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू वीडियो टुडे. आई होप आपको पसंद आई होगी. इन केस यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू गाइस, बाय बाय.